उदयपुर शहर के मध्य दिल्ली गेट चौराहा पर स्थित एसएमबी प्लाजा, जहां है 250 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज, किराए पर उपलब्ध कॉमन फैसिलिटीज एवं लिफ्ट के साथ मात्र 35 रुपए स्क्वायर फीट में। सावन मास के तीसरे सोमवार को उदयपुर के विभिन्न मंदिरों में भगवान महादेव के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ी और भक्तों ने महादेव के दर माथा टेक कर दर्शन दिए। उदयपुर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी सावन के इस तीसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ी। भगवान महाकाल ने पालकी में सवार होकर जल विहार पर निकले, इस दौरान प्रभु को जल विहार कराया गया। इस दौरान हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। महाकाल को फूलों से विशेष श्रृंगार और विशेष भोग धराया गया और आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर में भजन सत्संग भी चलते रहे, जिसमें लोग महादेव के भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के चंद्रप्रकाश दाधिच ने बताया कि भगवान महाकाल को जल विहार कराया गया और सुबह फूलों से श्रृंगार के साथ भोग धराया गया। अब चौथे सोमवार भगवान महाकाल उदयपुर शहर में भ्रमण पर निकलकर लोगों को दर्शन देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बोलूँ उदयपुर से गदीपति भवरी बाई। मेरे शहरवासियों को खूब सावन का सावन की खूब हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई हो। भगवान शिव का आशीर्वाद सबके सदैव के लिए बना रहे। मालिक सबको अच्छा रखे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे शहरवासियों का सबको हार्दिक शुभकामनाएं सावन महीने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्यावर से आई हूँ आरती भाई, और मेवाड़ के गदीपति किरण भाई साहब उनके चेले शिष्य बोल रही हूँ मैं। हम उदयपुर में आए हैं और उदयपुर में सावन और राखी का बाजार मांग रहे हैं। मेरे उदयपुर के जजमान खूब फले फूले हैं, खूब मालिक अंदन का भंडार भरे।